नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mpcg.com और आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव पे। तो भैया, माहौल चुनावी है और इस चुनाव के माहौल में आज हम दो प्रदेशों के विधानसभा चुनाव पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की बात करेंगे। हरियाणा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ भी गच्चा खा रही है और महाराष्ट्र में, जैसा कि कल हमने बताया कि संजय निरुपम ने पार्टी से कहा कि वो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रचार करते नहीं दिखेंगे। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी आज अशोक तंवर ने, जो कि पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है और ये कहते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया कि पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही थी और पार्टी में दो गुट बन गए हैं, एक सोनिया गांधी का कांग्रेस और दूसरा गुट जो है वो राहुल गांधी का कांग्रेस है, जिसमें राहुल गांधी के कांग्रेस में युवाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज अपने सहयोगी से जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र कांग्रेस का क्या हाल है। महाराष्ट्र कांग्रेस का भी हाल बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसके लिए कहीं कुआं है और कहीं खाई है। जैसा कि नवेंदु ने बताया है कि दो गुट बन चुके हैं, सोनिया गांधी का अलग और राहुल गांधी का अलग। तो इसलिए अब राहुल गांधी के ग्रुप से संजय निरुपम ने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अपने पार्टी का, उन्होंने पार्टी का प्रचार करने से मना कर दिया है। तो आने वाले समय में बताया जाएगा कि, या फिर देखा जाएगा कि क्या होता है कांग्रेस में। ओए गुरु, महाराष्ट्र हरियाणा अपना तो गया जमाना, ठोक को ताली। जी हाँ, माहौल चुनावी है और इसी माहौल चुनावी में सिद्धू का पत्ता कट हो चुका है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो। हरियाणा से भी उन्हें ना ही कहीं प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ना ही महाराष्ट्र से सौंपी गई है। पहले हमारे पास जो जानकारी आई थी कि हरियाणा से सिद्धू कहीं ना कहीं प्रचार करेंगे, लेकिन जी नहीं, अब तो उनका पत्ता कट हो चुका है, अब वो कहीं से प्रचार नहीं करेंगे। और तो और, महाराष्ट्र के स्टार प्रचारकों में भी सिद्धू को कहीं से कहीं तक नहीं लिया गया है। और अब रही बात सिद्धू की, तो सिद्धू क्या करेंगे ये भी एक सवाल पैदा करता है। क्या वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपनी ओर से पार्टी के लिए कुछ आगे कुछ ताकत लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये देखना बाकी है। तो ये आप देख रहे थे चुनावी हाल, हमारे सहयोगी हमारे साथ थे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके पास ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com www.newslivempcg.com।